राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 44 पर मंसर स्थित सरकारी अस्पताल के पास एक माह की आयु वाला तेंदुए का शावक मृत अवस्था में पाया गया, जिसके बाद मृतक शावक को देखने के लिए भारी मात्रा में भीड़ उमड़ पड़ी। यह घटना नागपुर जिले की रामटेक तहसील अंतर्गत आने वाले मंसर क्षेत्र में घटी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मंसर स्थित सरकारी अस्पताल के पास गुजरने वाले सर्विस रोड के पास स्थित सीमेंट के चबूतरे के अहाते में एक माह के तेंदुआ का शावक मृत अवस्था में शाम 5 बजे के पास दिखाई दिया। इसको लेकर रामटेक वन विभाग के RFO अनिल भगत को जानकारी दी गई, जिसके बाद वन विभाग रामटेक की पूरी टीम ने मौके पर पहुंचकर शावक के शव का पंचनामा कर शव विच्छेदन के लिए नागपुर स्थित पशु चिकित्सालय भेजा गया। शावक की मौत का कारण अज्ञात है। शावक की मौत का कारण रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। महाराष्ट्र TV24 के लिए अजय मेहर कुले की रिपोर्ट, रामटेक। अगड़म बगड़म तिगड़म नागपुर में होगा चीन टपाक डम डम। जादुई दुनिया के नए नए चमत्कार अब नागपुर में पहली बार डायनासोर, गॉडज़िला और गोरिल्ला और आदमखोर भेड़िया एक मंच पर एक साथ। 13 अगस्त से रोजाना 3 शो, 1, 5 और रात 8 बजे विदर्भ हिंदी साहित्य सम्मेलन, झांसी रानी चौक नागपुर में। बुकिंग्स के लिए विजिट करें www.badshahmagicalworld.com।